हेलो फ्रेंड्स, अपना घर डिजाइन यूट्यूब का स्वागत है। शुरू करना आज का वीडियो में प्लान है 40 फीट इंटू 48 फीट, 5 BHK का प्लान है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ठीक है दोस्तों, चलिए साइज जान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक है 48 फीट और यहाँ से यहाँ तक है 40 फीट, यानी 40 × 48 में हमने 5 BHK का एक अच्छा सा ड्राइंग तैयार किया हुआ। देखते हैं कैसे कैसे है। सबसे पहले जानेंगे इसका कॉलम पोजीशन। कॉलम पोजीशन देखते रहे ध्यान से, कॉलम मार्किंग कर रहे हैं। ये है इसका कॉलम पोजीशन जो कि 10 × 10 में देंगे। ये है इसका कॉलम पोजीशन। मार्किंग कर रहे हैं, ध्यान से देखते रहे कॉलम पोजीशन। देखिए ये है इसका कॉलम पोजीशन। एक यहाँ दे देंगे स्टीयर केस का। चलिए हो गया कॉलम पोजीशन। अब बात करेंगे साइज। देखिए ये जो हमने वॉल पोजीशन तैयार किया हुआ है, ये है बाहर बाहर से 10 इंच और अंदर अंदर का 5 इंच। ये हो गया मेन एंट्रेंस गेट। यहाँ से एंटर करेंगे, सामने मिलेगा बरामदा। बरामदा की साइज होगा यहाँ से यहाँ तक 10 फीट 2 इंच। और इधर हो जाएगा 10 फीट 9 इंच। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करेंगे। ये बरामदा के जस्ट बगल में रखे हुए हैं हमने एक गेस्ट रूम, या इसे बेडरूम बोले। हमने गेस्ट रूम यहाँ पे लिखा हुआ है। साइज है 13 फीट 2 इंच इधर से और 14 फीट 9 इंच इस साइड से। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। एक यहाँ पे बेडरूम प्रोवाइड किया हमने। साइज है 13 फीट 2 इंच इधर से और 14 फीट 9 इंच इस साइड से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे अपने बरामदा से तो सामने मिलेगा डाइनिंग और ड्राइंग हॉल। साइज है यहाँ से यहाँ तक 18 फीट 2 इंच और इधर मिलेगा यहाँ से यहाँ तक 20 फीट। ये हो गया किचन। एज पर वास्तु रखने की कोशिश किया हमने। साइज है 13 फीट 2 इंच इधर से और 9 फीट 2 इंच इस साइड से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करेंगे यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे स्टेयर केस। स्टेयर केस जो कि 3 फीट की चौड़ाई लेकर के यहाँ से हम अप करेंगे ऐसे, फिर यहाँ एक लैंडिंग होगा, टर्न लेकर के ये ऊपर में निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्टेयर की आप ये जो डिस्टेंस रखेंगे इसको रखेंगे 11 फीट और इधर रखेंगे 6 फीट। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपना। ये हो गया बेडरूम का साइज 13 फीट 2 इंच इस साइड से और इधर से है 14 फीट 9 इंच। ठीक है दोस्तों, अच्छा खासा बेडरूम का साइज हमने इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। ये हो गया स्टडी रूम, या इसे किड्स रूम, या जो आपको इसमें इस्तेमाल करना हो कर सकते हैं, बेडरूम भी बोल सकते हैं। साइज है 10 फीट 2 इंच इधर से और इधर से है
10 फीट 9 इंच। हमारे सब्सक्राइबर द्वारा रिकमेंड किया हुआ प्लान था, तो उनको एक स्टडी रूम चाहिए, तो हमने यहाँ पे स्टडी रूम के रूप में इसे प्रोवाइड किया हुआ है। ये हो गया बेडरूम, साइज है 13 फीट 2 इंच इधर से और 14 फीट 9 इंच इस साइड से। ठीक है दोस्तों, ये हो गया लेट्रिन। हमने इस अपने डिज़ाइन में अलग अलग रखा हुआ है, लेट्रिन अलग है, बाथरूम अलग है। लेट्रिन का साइज देखते हैं, 6 फीट 2 इंच इधर से और 7 फीट 7 इंच इस साइड से। लेट्रिन का साइज हो गया। अब ये हो गया बाथरूम, साइज है 8 फीट इधर से, अच्छा खासा साइज हो जाएगा लेट्रिन बाथरूम दोनों का, और इधर से है 6 फीट 2 इंच। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करेंगे अपने डोर पोजीशन का। ये हो गया मेन गेट, यहाँ पे आप ग्रिल वगैरह लगा करके इसको रख सकते हैं। यहाँ एक डोर प्रोवाइड करेंगे इस बेडरूम के लिए या गेस्ट रूम के लिए। इस बेडरूम के लिए यहाँ पे डोर प्रोवाइड करेंगे, बाथरूम के लिए डोर यहाँ पे, लेटरिन के लिए डोर यहाँ, इस बेडरूम के लिए यहाँ पे डोर, स्टडी रूम के लिए यहाँ पे डोर, और इस बेडरूम के लिए यहाँ पे डोर प्रोवाइड करेंगे। किचन के लिए यहाँ डोर देंगे। हमने डायग्राम बना दिया कैसे कैसे खुलेगा, और ये मेन ये बरामदा से अपने डाइनिंग और ड्राइंग हॉल में आने के लिए यहाँ पे भी एक डोर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करेंगे विंडो पोजीशन। देखिए हमारे सब्सक्राइबर के अनुसार 40x48 के बाद उनका अपना स्पेस है, तो हमने विंडो प्रोवाइड चारों तरफ दिया हुआ है। अगर आपके पास विंडो का ऑप्शन नहीं है तो उसे आप छोड़ देंगे और जिधर मिलेगा उधर विंडो देंगे। यहाँ हमने विंडो प्रोवाइड किया हुआ है बेडरूम के लिए, यहाँ पर विंडो प्रोवाइड किया है बेडरूम के लिए, गेस्ट रूम के लिए यहाँ एक विंडो, किचन के लिए यहाँ विंडो, स्टेयर केस के लिए यहाँ पर विंडो, इस बेडरूम के लिए विंडो यहाँ देंगे, एक विंडो यहाँ प्रोवाइड करेंगे बेडरूम के लिए, स्टडी रूम के लिए विंडो, बेडरूम के लिए विंडो, यहाँ विंडो देंगे बेडरूम के लिए, लेट बाथ के लिए वेंटिलेटर, इस बाथरूम के लिए वेंटिलेटर, और यहाँ बेडरूम के लिए एक विंडो। चलिए अब एक चीज़ क्लियर कर दें, ईस्ट फेसिंग प्लान है तो हमने इसको एज पर वास्तु रखने की पूरी कोशिश किया है इसमें, और इसमें आप 5 बेडरूम, किचन, बाथरूम, लेटरिन इसमें बना सकते हैं। तो ये है मेरे चैनल का नाम जो आप देख रहे हैं। अगर इस चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि अच्छे खासे अच्छा अच्छा हम ड्राइंग अपने चैनल पर लेकर हमेशा आते रहते हैं। तो ये प्लान हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। अगर प्लान अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों शेयर करें और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लान, तब तक के लिए धन्यवाद।